आई एम अ साइकोलॉजिस्ट काउंसलर शुभा। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि लाइफ में कुछ चीज़ों की उम्र बहुत लंबी होती है, और वो कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे लोग कहते हैं ना, अरे बात कह दी तो भूल जाओ, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, ऐसी बातें शायद आप सबने सुनी होंगी, सबने सुनी होंगी। पर आपको पता है, कुछ बातें इतनी प्यारी, इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत होती हैं कि वो हमें सारी लाइफ याद रहती हैं, और कुछ बातें इतनी कड़वी, इतनी गंदी और इतनी ख़राब होती हैं, हम उसको चाह कर भी मरते दम तक नहीं भूलते हैं। तो हमेशा इतना याद रखिए कि बातों की उम्र भी बहुत लंबी होती है, और आप जब किसी से बात कर रहे हो या किसी से आप बात कर रहे हो, उनके साथ कैसे बात कर रहे हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके लॉज हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, तो बातें थोड़ी सोच समझ कर करिए। कुछ लोगों को तो अरे कुछ नहीं होता है, एक कान से बोलो एक कान से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर आप सोचिए ना कि आप बच्चे थे, आपके कोई टीचर ने आपको इतनी अच्छे से शाबाशी दी कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो आज आप कामयाब हो। कुछ बातें इतनी बुरी होती हैं, लेडीज़ अक्सर मुझसे काउंसलिंग सेशन में बताती हैं कि मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी लॉज ने मुझे ऐसे बोला वैसे बोला, वो बातें लेडीज़ भूल नहीं पाती हैं। और कुछ लोग तो बातों को इतना सीरियसली लेते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, एनजाइटी होने लगती है उनको कि किसी ने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, अब हम क्या करेंगे। तो ज़िंदगी में अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये चीज़ प्लीज़ ज़रूर सोचिएगा कि बातों की उम्र लंबी होती है, और अच्छी बातें भी लोगों को लंबे टाइम तक याद रहती हैं, और आपकी ख़राब और बुरी बातें भी लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपका जॉब या वर्किंग प्लेस पर कोई भी हो, सोच समझ कर बोलिए कि क्या पता आपकी एक बात उसके दिल में घर कर जाए, या क्या पता एक बात उसके दिमाग में घर कर जाए। दिल और दिमाग कहीं भी घर करेगी अगर आपकी बातें, तो आपकी ज़िंदगी पे भी उसका असर ज़रूर पड़ता है। हमें निगेटिव वाइब्स जाने लगती हैं, आने लगती हैं, तो उस निगेटिव वाइब से भी बचना है। इसलिए कोशिश करना है कि अच्छी बातें बोलिए। लाइफ में आपकी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा अच्छा होता है। आपने सुना होगा ना, हिंदू शास्त्रों में बोला जाता है कि 24 घंटे में कभी ना कभी सरस्वती आपके जिह्वा पे बैठती हैं, मतलब आप जो बोलते हैं सच हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शाइन ब्राइट विद शुभा। बाय फ्रेंड्स।